डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसे पहले वाली वीडियो में देखा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का, और वो भी हमने एक्सरसाइज 6.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे इस आइकॉन पे जाकर या हमारे इस आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हमारे पास हम देख रहे हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। दैट मीन्स हमें इस चैप्टर में और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अब ये बताना है कि ऐसे कौन से नंबर है अगर उनका स्क्वायर हम कर देते हैं तो हमें ऑड नंबर मिलेंगे। हम जानते हैं क्या ऑड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है। ऐसे सारे के सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं, और ऐसे सारे के सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। तो हमें सबसे पहले एक बात जाननी होगी कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पे मुझे इवन नंबर मिलता है, और कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पे मुझे ऑड नंबर मिलता है। तो इसके लिए तो आपको 1 से लेके एटलीस्ट 10 तक के स्क्वायर्स के को याद रखना जरूरी होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको ये समझाया था कि अगर आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स याद है तो बहुत ही आसानी से आप सवालों को बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36, 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49, 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 64, 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 81 एंड 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। और हम एक बात और अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर जो नंबर हमें दिए हुए हैं, ये जो 1 ये हमारा क्या है ऑड नंबर है, ये जो हमारा 3 है ये ऑड नंबर है, ये 5 है ये ऑड नंबर है, 7 हम देखते हैं ये ऑड नंबर है, 9 है ये हमारा ऑड नंबर है। और यहाँ पे एक बात और हम देख रहे हैं कि अगर कोई ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी हमें ऑड ही मिल रहा है। अगर स्क्वायर हम देख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर मुझे 9 मिल रहा है, 5 का स्क्वायर 25 मिल रहा है, 7 का स्क्वायर 49 मिल रहा है और 9 का स्क्वायर 81 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑड नंबर है और उसका अगर हम स्क्वायर कर दे तो मुझे ऑड नंबर ही मिलेगा, और अगर इवन नंबर है जैसे 2 का स्क्वायर देख रहे हैं तो 4 दे रहा है, और हम देख रहे हैं 8 का स्क्वायर दे तो 64 मिल रहा है, तो ये मुझे इवन नंबर मिल रहा है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि अगर कोई इवन नंबर है उसका स्क्वायर कर दी जाए तो हमें इवन नंबर ही मिलता है। तो इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें क्वेश्चन पे दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 पे 431, अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर करता हूं, अगर इस नंबर का मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे 1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे एक ऑड नंबर मिलेगा। तो ये इस नंबर को हम आसानी से ऑड नंबर कह सकते हैं, बहुत आसानी से कह सकते हैं। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, ये एक नंबर है जो इवन नंबर है। तो हम अपने इस कंसेप्ट से जानते ही हैं क्या कि इवन नंबर का स्क्वायर करने पे मुझे इवन ही मिलता है, राइट। और हम जानते हैं क्या अगर फिर से ऑड नंबर है तो ऑड का हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। और हम जानते हैं इवन जो है तो इवन का इवन ही मिलेगा। तो मैंने बहुत आसानी से ये फाइंड आउट कर ली कि कौन से नंबर जो होंगे हमारे इवन नंबर होंगे और कौन से नंबर होंगे जिनका स्क्वायर करने पे मुझे ऑड नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपसे कहने जा रहा हूँ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसे सवाल मुझे दे दिए गए तो किस स्टैंडर्ड पे और किस तरह से इसके आंसर्स लिखे जाए ताकि हमें एग्जाम में पूरे से पूरे मार्क्स मिले। तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर को आंसर करने का तरीका है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। आप बहुत ही सिंपल वे पे लिख सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। सो डज द स्क्वायर ऑफ 431, यहाँ पे हम देख रहे हैं 431 एंड 7779 विल बी एन ऑड नंबर, और इस तरह से हमारा आंसर पूरा होता है। तो चलिए ये सवाल पूरा करने के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।